भीड़ बहुत है भाई, कुछ भी कहो, रमजान में भीड़ बहुत है। 200 रुपए की टी शर्ट लगवाने हो 30 रुपए में लगेगा। काफी सारे फॉरनर आ रहे हैं। देखिए दोस्तों, ये है वो जगह, बताते हैं साजा के ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पे वजू करी थी और इस जगह को तभी से पूरा कवर कर दिया है, इस एरिया को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सुमित खान ब्लॉग। आज हम लोग जाने वाले जामा मस्जिद, और सुना है काफ़ी रौनक रहती है रमज़ान में, तो आज तीसरा रमज़ान है दोस्तों, चल रहे हैं जामा मस्जिद, और अगर कुछ अच्छा मिलेगा तो हम शॉपिंग भी कर लेंगे और मैं आपको पूरी रौनक दिखाऊंगा जामा मस्जिद की। तो चलिए अब निकलते हैं और फिर आपको पूरी डिटेल में जामा मस्जिद और उसके आसपास जो मार्केट है सारी उसके बारे में बताने वाला हूँ। ये देखो दोस्तों कितनी भीड़ है, रमज़ान तीसरा रमज़ान है, जामा मस्जिद सामने देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पे। आज संडे का दिन है, यह है मीना बाजार, काफी भीड़ है। ये देखिए आज सर लग रहा है सबसे ज्यादा भीड़ मैंने आज ही देखी है, इससे पहले कभी देखी नहीं। देखिए वो है सामने जामा मस्जिद, अंदर चलेंगे और देखते हैं अगर कुछ मिल जाता सही सा तो अपने लिए भी देख लेंगे, कुछ शॉपिंग कर लेंगे। ये देखिए बच्चों के कपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे, टी शर्ट वगैरह, ये बेल्ट है, एक रुपए का मिनिमम, अगर तू 1000 भी देगा तब भी नहीं ले सकता हूँ। अब ये लाभ में शूज है, भीड़ बहुत है भाई, कुछ भी कहो, रमजान में भीड़ बहुत है। 200 रुपए की टी शर्ट, संडे भी है ना इस वजह से ज्यादा भीड़ है आज, और रमजान तो चल ही रहे हैं, तीसरा रमजान है और रमजान में तो रौनक रहती है यहाँ पे। एक डिजाइन की मर्जी है। ये देखो भाई ये पीछे उर्दू पार्क है, अंदर लक्ष्मी लो सामने भाई मौलाना आजाद का मकबरा, उसका गेट है बंद है फिलहाल, उसकी टाइमिंग होगी, टाइमिंग के अकॉर्डिंग ही खुलता होगा। चलो देखते हैं, पता करते हैं। अच्छा सामने ही है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद का मकबरे का गेट और पीछे इसी पार्क में बना हुआ है। तो दोस्तों संडे को बंद रहता है, बाकी वीकडे ओपन रहता है। ये भाई ये देखो, इन भाई ने इन्फॉर्मेशन दी है संडे को बंद रहता है, और टेम्पर लगवाना हो 30 रुपए में लगेगा। यहाँ टेम्पर लगवाना हो तो यही गेट के सामने मिलेंगे भाई, सिर्फ 30 रुपए में, और ये प्लेट भी लगी हुई इनकी, तो यही आना भाई के पास, बढ़िया से लगा देंगे। कासिम नाम है भाई का। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह। ये देखो भाई भीड़ लग रहा है, बढ़ती जा रही है, 150 रुपये में बैग है भाई, ये देखो घड़ी, सब सामान मिल जाएगा, सारी शॉपिंग हो जाएगी। ये देखो चलो आ गई जामा मस्जिद सामने, बिल्कुल पास में आ गए, मीना बाजार ख़त्म होते हुए। भीड़ कितनी होगी, आगे भाई सीढ़ी तक आगे चलते ऊपर। ये दो दरगाह हैं भाई, हजरत सैयद अब्बुल कासिम और हजरत सूफी सरमद शहीद। ये दोस्तों इमाम अब्दुल बुखारी का मेडिकल सेंटर है, ये सामने आप देखेंगे यही है।
ये शॉप है सेंटर। दोस्तों कमेंट में बताना अब्दुल्ला बुखारी कौन थे, ये कौन है कमेंट में करके बताओ। दोस्तों अगर हमें कुछ पसंद आ जाता है तो हम भी देख लेंगे, क्योंकि आए तो हम इसी लिए हैं कुछ शॉपिंग कर लें, कुछ अच्छा चीज़ मिल जाए हमें, तो जैसे अगर हमें भी मिलता है तो हम इंशाल्लाह कुछ खरीदते हैं। बाकी आप वीडियो में बने रहें दोस्तों, पूरी शॉपिंग कराएंगे। काफ़ी रौनक है दोस्तों रमज़ान में, आप जगह जगह देखेंगे काफ़ी खूबसूरत रौनक हो रखी है। मैं दिखाता हूँ आपको सामने, ये देखिए दोस्तों सामने भी शॉप है। ये सारा जो है जामा मस्जिद, जो चांदनी चौक की तरफ जो रास्ता जा रहा है उस तरफ की तरफ है, जामा मस्जिद भी चलेंगे अभी। पहले अभी यहाँ का आपको दिखा दें, वो पीछे आप देख रहे हैं वो लाल किले दिख रहा है आपको। और दोस्तों जो सामने है मैंने आपको दिखाया था वो गेट नंबर 1 था, गेट नंबर 1 से तो हम हमेशा जाते रहते हैं, लेकिन आज हम जो राइट में और लेफ्ट में दो दरवाजे हैं उनमें से किसी एक में जाएंगे, क्योंकि गेट नंबर 1 से तो हम हमेशा ही जाते रहते हैं। तो आज आपको नया जो गेट है लेफ्ट या राइट उनमें से एक में जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, सामने आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इस तरफ है वो जो राइट हैंड की तरफ जो गेट पड़ेगा, राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं वहीं से आपको एंट्री करेंगे और दिखाएंगे वहाँ से। और ये है दोस्तों गोल्डन हवेली, काफ़ी पुराने मकान दिख रहे हैं। सामने है जामा मस्जिद का पुलिस स्टेशन, कुछ बात हो जाए तो यहाँ पे FIR वगैरह करा सकते हैं, जामा मस्जिद का है। तो दोस्तों ये है सामने, अब ये नहीं पता कि ये गेट नंबर 2 है 3 है, और जो गेट नंबर 1 पे जैसे हम निकलेंगे तो 2 गेट पड़ते हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो मेरे हिसाब से राइट वाला होगा। चलिए देखते हैं कौन सा अंदर जाके, सामने आपको दिख रहा है। तो दोस्तों जैसे बोर्ड पे हमें दिख रहा है सामने से वो है गेट नंबर 3, तो इसी से एंट्री करेंगे, चलते पास में और देखते हैं क्या रौनक है अंदर। तो भाई पहुँच गए हम पास में और काफ़ी फॉरनर आ रखे हैं, ऐसे तो आते ही रहते हैं यहाँ पर, आज हमें कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं अंदर। सामने है मस्जिद की मीनार, पीछे गुम्बद दिख रहा होगा, सामने गेट दिख रहा है गेट नंबर 3। काफ़ी सारे फॉरनर आ रखे हैं, बहुत सारे फॉरनर आ रखे हैं। इस गेट से लग रहा है मुझे फॉरनर से ही एंट्री कराते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो दोस्तों भीड़ बहुत रहती है ना, तो ये गेट खाली है, फॉरनर की एंट्री होती है यहाँ से, होने के लिए वहाँ से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारी भी हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अंदर, भाई अंदर आ गया, जितने भी हैं ना यहाँ से फॉरनर हैं वो सारे यहीं से आ रहे थे। ये देखिए सारे जितने भी खड़े हैं सारे फॉरनर ही हैं, फॉरनर तो दोस्तों बहुत सारे हैं, आज पहली बार देख रहा हूँ इतने सारे फॉरनर, सारे फॉरनर ही हैं। सामने मस्जिद है। तो दोस्तों अंदर आ चुके हैं, मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं जामा मस्जिद के बारे में। वैसे तो मैंने ट्रैवल दिल्ली एक मेरा चैनल है उस पर भी बना रखी है वीडियो, तो मैं जामा मस्जिद आया था, सोचा आपको वो भी दिखा देता हूँ। जो इसका निर्माण कार्य बताते हैं वो 1650 से 1656 में कम्प्लीट हो गया था, और इसके निर्माण में 1 लाख रुपये का खर्चा आया था, और इसमें जैसे 3 गुम्बद हैं और 2 मीनारे हैं और 3 गेट हैं इसमें। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मेन गेट हैं वो 1 नहीं है, वो 2 है, गेट नंबर 2 है वो, मैंने उसे 1 बता दिया था गलती से, तो वो गेट नंबर 2 है और इसमें 3 गेट है दोस्तों। और आप अगर मीनार के ऊपर जाते हैं तो उसकी टिकट जो है 50 रुपये टिकट है, आप मीनार के ऊपर जाके देख सकते हैं। पहले इसकी टिकट जो बता रहे थे 20 रुपये या 30 रुपये थी, अब फिलहाल इसकी 50 रुपये कर दिया। तो ये जो था इसका थोड़ी हिस्ट्री थी, थोड़ी डिटेल थी, वो मैंने इसकी बता दी है। थोड़ा कुछ और होगा तो वो भी मैं आपको बता दूँगा दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ मस्जिद पूरी डिटेल से। ये देखिए ये जो जहाँ मैं बैठा था, मैं आपको पहले वहाँ की डिटेल दिखाता हूँ आपको। ये आसपास जो देखेंगे ये सारी गैलरी है, और फिलहाल ये बंद है, यहाँ इस तरफ आप कोई भी जा नहीं सकता, ये सारी बंद कर रखी है। चारों तरफ देखेंगे दोस्तों आप, गैलरी देखेंगे आपको, और सामने जो गेट है जो मैं आपको गेट नंबर 1 बोल रहा था वो दरअसल गेट नंबर 2 है, और वही मेन गेट है दोस्तों। इसके 3 गेट हैं, मेन गेट इसलिए क्योंकि वो बिल्कुल सामने मस्जिद के सामने ही है, इसलिए वो मेन गेट है। सामने आप देख रहे हैं वो गेट नंबर 3 जिससे हम लोग आए थे, और आज जो मैंने पहली बार इतने फॉरनर देखे हैं दोस्तों, ये क्योंकि एक तो संडे है, हो सकता है संडे को फॉरनर आते हैं, और सबसे ज़्यादा जो
फॉरनर जो आते हैं वो इसी गेट से दिखे हैं पहली बार मुझे, क्योंकि मैंने इसी गेट से पहली बार एंट्री करी है, इससे पहले कभी नहीं करी है। और आप इस तरफ आएंगे तो इधर गेट नंबर एक है, ये गेट नंबर एक है दोस्तों। इन दो एक नंबर गेट से और तीन नंबर गेट से मैंने कभी एंट्री नहीं करी है। तीन नंबर से मैंने दिखा दिया आपको, एक नंबर सामने है और दो नंबर से तो मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ जो आप देख रहे हैं। और सामने है दोस्तों दो मीनारें जिस पे आप एक मीनार पे देख रहे हैं, ऊपर आपको शायद दिख रहा हो ऊपर, पर इस मीनार से जब ऊपर जाएंगे तो 50 रुपये की टिकट है और ऊपर आप जाके देख सकते हैं पूरा व्यू दिल्ली का जामा मस्जिद का। सामने आप देख रहे हैं तीन इसके गुम्बद हैं, तीन गुम्बद दिख रहे हैं आपको, मैन गुम्बद आपको बीच में दिख रहा होगा, उसके बीच में भी आपको दो मीनारें दिख रही होंगी जो उसका मैन द्वार है, उसके आसपास आपको दो मीनारें दिख रही होंगी। और सामने देख सकते हैं एक मैन गेट है, मैन द्वार है और उसके पास आपको दिख रहे होंगे पांच द्वार इधर हैं और सेम पांच द्वार उधर हैं, पर लेकिन जब इन द्वारों से भी आप इंटर होते हैं तो आपको तीन द्वार यहाँ दिखेंगे दोस्तों और एक मैन है, और उधर जाएंगे आप तो वहाँ से भी आपको तीन द्वार दिखेंगे। तो देख सकते हैं सामने आपको मस्जिद दिख रही है, बेहद ही खूबसूरत मस्जिद है और इस पर काम दोस्तों चलते ही रहता है क्योंकि मस्जिद काफ़ी पुरानी है। 1650 में इसका काम स्टार्ट हुआ था, 1656 में कंप्लीट हो गई थी। चलिए मैं पास से दिखाता हूँ और मैं आपको वज़ू का दिखाता हूँ, जहाँ पे लोग नमाज करने से पहले, नमाज पढ़ने से पहले दोस्तों वज़ू करते हैं। ये देखिए सामने आप हौज दिख रहा हो आपको, यहीं पर लोग वज़ू करते हैं। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों वज़ू करते हैं। और अब मैं आपको दोस्तों एक जगह वो दिखाता हूँ जो बताते हैं कि शाहजहाँ ने जब इस मस्जिद की तामीर करी थी और तामीर होने के बाद उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह पे वजू करी थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए ये हौज है, यहाँ पे वजू करते हैं नमाज से पहले। देखिए दोस्तों ये है वो जगह, बताते हैं शाहजहाँ के ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पे वजू करी थी और इस जगह को तभी से पूरा कवर कर दिया है, इस एरिया को। ये देखिए इस तरीके से जाल से पूरा कवर कर दिया है, ये पैक है दोस्तों। इस जगह कोई वजू नहीं बना सकता क्योंकि ऐसा बताते हैं कि शाहजहाँ के ख्वाब में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर वजू करी थी। और यह है दोस्तों हौज जो पूरा भरा हुआ है, यही लोग वजू करते हैं। ये देखिए काफ़ी जो है ना, आज संडे है तो संडे को ज़्यादातर फॉरनर आ रखे हैं और रमज़ान का महीना तो चल ही रहा है दोस्तों। अभी हम जो फ़िलहाल आए हैं वो 10 बजे आए थे दोस्तों हम लोग यहाँ पे, तो मॉर्निंग में अंदर इतनी भीड़ नहीं है क्योंकि ज़्यादातर जो है टूरिस्ट लोग आ रहे हैं, पर लेकिन इंशाल्लाह शाम को जब रमज़ान इफ्तार होगा तो इंशाल्लाह काफ़ी भीड़ हो जाएगी यहाँ पर, क्योंकि इफ्तार के वक्त काफ़ी भीड़ हो जाती है यहाँ पर। इंशाल्लाह इफ्तार की भी कभी वीडियो बनाएंगे। अभी आज हम आए थे शॉपिंग करने के लिए, सोचा आपको जामा मस्जिद की हिस्ट्री बता दें और इसकी डिटेल थोड़ी बता दें आपको। सामने लेके चलता हूँ दोस्तों और सामने से भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये काम चल रहा है अभी इस पर और चलता रहता है। और सामने आप जो देखेंगे ये देखिए डिज़ाइन बनी हुई है इस तरीके की, और ऊपर इसके ऊपर अरबिक में कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, आप ऊपर देख सकते हैं। जितने द्वार हैं दोस्तों हर एक द्वार पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं। देखिए और सामने आप जो देख रहे हैं डिज़ाइन है हर द्वार पे, और इस तरीके का द्वार है। संगमरमर से बीच में आपको जो दिख रहा है वो वाइट संगमरमर है और ब्लैक स्टोन, ब्लैक संगमरमर है और रेड स्टोन से बनी हुई है, तीनों का मिक्सन बना हुआ है। ये बड़े बड़े पत्थर आप जो देख रहे हैं ये काम के लिए लगाए जा रहे हैं, काफ़ी कुछ पत्थर यहाँ से टूट के गिर भी चुके थे और कुछ लाए गए हैं ताकि यहाँ पर इनका यूज़ करके मस्जिद जहाँ से डैमेज हो रखी है ऐसे पूरा किया जा सके। आप देख सकते हैं दोस्तों ये है वाइट संगमरमर और इसी में ब्लैक भी लगा रखा है। ये देखिए ये फूल पत्तियों का डिज़ाइन बना रखा है रेड स्टोन से, ये नीचे आप पत्ती देख रहे हैं ये सारी डिज़ाइन करी गई है। चलिए ऊपर लेकर चलता हूँ, ऊपर से भी दिखाता हूँ आपको। अंदर दोस्तों आ चुके हम लोग, देखिए इस तरीके की बेहद खूबसूरत डिज़ाइन करी गई है। देखिए ये है अंदर का व्यू दोस्तों, इस तरीके की मेहराब देखेंगे आपको।
बताते हैं सात मेहराब हैं जिसमें से मेन वो वाली है सामने आप देख रहे हैं, वो झूमर दिखा हुआ है। तीन इस तरह मेहराब दिखेंगे और मैन जो है वो इमाम साहब की जगह भी हुई है। तो फॉरनर्स तो काफ़ी आ रखे हैं, आप देखेंगे तो फॉरनर्स काफ़ी आपको मिलेंगे। चलिए बाहर लेके चलता हूँ आपको, बाहर तो देखिए ये है वो मीनार जिसके ऊपर 50 रुपये की टिकट है और आप लोग जा सकते हैं। और इसकी टिकट लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, सामने आप देख रहे हैं दोस्तों वो है काउंटर, वहाँ से 50 रुपये की टिकट ले सकते हैं, लिखा भी वहाँ पे और बोर्ड भी लगा हुआ है, वहाँ से 50 रुपये की टिकट ले सकते हैं। गेट नंबर 1 है, उसके जस्ट बगल में ही आपको दिख जाएगा। और इस जगह की जो गैलरी है वो ओपन कर रखी है, पर लेकिन कुछ जगह गैलरी ऐसी हैं जो बंद कर रखी है। सामने आप जो देखेंगे वहाँ पे ही वजू बना सकते हैं, टोटियाँ रखी हुई हैं। और मैं पास से आपको दिखाता हूँ दोस्तों, ये है मीनार, काफ़ी बड़ी मीनार है, धीरे धीरे ऊपर आप जाते जाएंगे तो छोटी होती जाएगी। बताते हैं 41 मीटर की ये मीनार है जो आप देख रहे हैं। सूरज एकदम बिल्कुल सर पे आ गया तो ऊपर देखा भी नहीं जा रहा। तो मैं इसकी एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, मीनार के ऊपर जाने की सिर्फ टिकट है, बाकी मस्जिद के अंदर एंट्री आप करेंगे किसी भी गेट से तो इसकी कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बस आप मीनार के ऊपर जाएंगे तो मीनार के ऊपर जाने की 50 रुपये की टिकट है, तो आप जा सकते हैं और देख सकते हैं जामा मस्जिद का पूरा व्यू, दिल्ली के आसपास का पूरा व्यू दिख जाएगा। लाल किला भी पास में दोस्तों, और वो भी दिख जाएगा पास में। और भी मस्जिद है, सुनहरी मस्जिद है, चांदनी चौक की मस्जिद है, तो वो भी आपको दिख जाएगी। अब मैं आपको दिखाता हूँ जहाँ पे वजू बनाते हैं जो हौज़ है, देखिए मैं वहाँ को दिखाता हूँ। ये देखिए सामने जो हौज़ दिख रहा है, इसी के पास आपको चार मीनारें दिख रही होंगी जो वाइट कलर में लगी हैं, वाइट संगमरमर की, ऊपर सबके ऊपर लैंप लगी हुई है, देख सकते हो। सामने आपको दिख रहा होगा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है जो लोग बैठे हुए हैं उसके पास। तो दोस्तों ये सारी डिटेल थी जो मैंने जामा मस्जिद की बता दी है। और मैं जामा मस्जिद आया था, पास में शॉपिंग करने के लिए आया था, कुछ चीज़ मिल जाए, तो अभी तो हमें मिली नहीं है, तो इंशाल्लाह अगर कुछ मिलता है तो आपको ज़रूर दिखेंगे। नहीं तो क्योंकि जो ज़्यादातर जो भीड़ होती है दोस्तों अभी रमज़ान में, वो शाम की होगी इफ्तार के टाइम। इंशाल्लाह कभी मैं वीडियो बनाऊँगा इफ्तार की भी, और क्योंकि अभी धूप हो रखी है तो काफ़ी जो लोग हैं वो रमज़ान से होंगे इंशाल्लाह, इसलिए भी काफ़ी लोग नहीं आए। पर लेकिन जो लोग टूरिस्ट हैं जैसे फॉरेनर है, वो काफ़ी लोग उनकी तादाद आ रखी है। मैंने इससे पहले कभी इतनी भीड़ नहीं देखी है फॉरेनर की जितनी आज मैं देख रहा हूँ, काफ़ी फॉरेनर आ रखे हैं। और दोस्तों एक आपको बात बता दूँ, क्योंकि रमज़ान का वक्त चल रहा है, तीसरा रमज़ान है दोस्तों, तो यहाँ पर अगर आप चाहें तो शाही एक दस्तरखान बिछता है यहाँ पर, इफ्तार जब होता है तो शाही दस्तरखान जामा मस्जिद की तरफ से लगा होता है, तो आप आके यहाँ पे इफ्तार कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो अपना भी इफ्तार रोज़ा खोलने के लिए आप बाहर से ला सकते हैं, पर लेकिन जैसा मैंने यहाँ पता करा था तो ये बताते हैं कि शाही दस्तरखान यहाँ पे लगता है जो जामा मस्जिद की तरफ से होता है, तो जितना भी होता है वो लोग करते हैं। बाकी आप चाहें तो आप अपना भी ला सकते हैं, क्योंकि जब इफ्तार का वक्त होता है तो काफ़ी लोग यहाँ पर अपना भी लाते हैं, और अपना जो भी जिससे रोज़ा खोल सकें वो अपना लाते हैं। तो आप लोग को ये इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे बतानी थी, वो मैंने बता दिया आपको, शाही दस्तरखान जामा मस्जिद की तरफ से। तो अब दोस्तों मैं दिखाता हूँ आपको सोलर घड़ी जो असर की नमाज पता करने के लिए लगाया गया था। ये देखिए सामने जो आप देख रहे हैं उस धूप की घड़ी, सोलर घड़ी को पता करने के लिए लगाते हैं। पास से दिखाता हूँ अभी मैं आपको, तो ये देखिए पास से आप देख सकते हैं ये घड़ी है, और असर की जो नमाज होती थी शाम की नमाज, उसको पता करने के लिए इसी से पता करा जाता था, इसीलिए ये लगाई गई है। जब ये मस्जिद तामीर हुई होगी उसी वक्त ये घड़ी भी लगाई होगी, क्योंकि ये पत्थर के ऊपर रखी हुई है, नीचे जो है पूरा पत्थर है और लाल बलुआ पत्थर से उसी के ऊपर ये घड़ी रखी गई है, ये देखिए। तो दोस्तों मैंने दिखाई थी सोलर जो क्लॉक थी वो असर की, अब मैं आपको दिखाता हूँ जौहर की, जो जौहर की नमाज होती थी वो पता करते थे वो भी। ये देखिए दोस्तों वो वाली जो घड़ी थी वो असर की थी, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये जौहर की है जो 1831 में लगाई गई थी। ऊपर से आपको दिखाता हूँ इस तरीके की घड़ी है, ये देखिए इससे पहले जो दिखाई थी वो असर की थी, और ये वाली जो है जौहर की है। गेट नंबर 2 की तरफ ही है, आप देख सकते हैं काफ़ी लोगों ने पैसे भी डाल रखे हैं, ये देखिए इस तरीके का बना हुआ है 1831 में। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं घर पे जामा मस्जिद से, और हमारे मार्केट आपको पूरी दिखा दी, जामा मस्जिद दिखा दिया, स्ट्रीट व्यू के बारे में बता दिया। दरअसल हमें वहाँ पर कोई चीज़ पसंद नहीं है, तो हमने कोई चीज़ नहीं ली वहाँ से, लेकिन रौनक काफ़ी थी। और बताते हैं रात में
और ज़्यादा रौनक हो जाती है क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं और आज है तीसरा रमज़ान। तो इंशाल्लाह एक दिन आपको इफ्तार जामा मस्जिद का दिखाऊंगा, वहाँ पे इफ्तार करने चलेंगे, वहाँ पे लेके चलेंगे, उसकी भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। तो चलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार दें, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।